बसंत के साथ बहार का इस्तकबाल लाहौर की रवायत रही है। बहार की आमद के साथ ही जहां पौधे नए पैरहन उड़ने लगते हैं, लाहौरिये भी मांझे और पतंगों की तैयारी शुरू कर देते हैं। छतों पर रौनक बढ़ जाती है और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजना शुरू हो जाता है। इस त्यौहार में शिरकत के लिए न सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क से भी सयाह बहुत बड़ी तादाद में लाहौर पहुँचते हैं। लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से इस त्यौहार को किसी की नज़र सी लग गई है। इस बेज़र तफरी में मौत का रंग भरने वालों ने धाती डोर का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे कई घरों के चिराग गुल हो गए। रही सही कसर उन लोगों ने पूरी कर दी जो महज अपने जज्बात के इजहार के लिए हवाई फायरिंग करके दूसरों की जान खतरे में डाल देते हैं। इस सूरत हाल में बसंत की खुशियां मात पड़ने लगी। अंदरून लाहौर की मारूफ शख्सियत मियां यूसुफ सलाहुद्दीन का इस सूरत हाल के बारे में अपना ही तज़िया है। वो कहते हैं कि इस त्यौहार को भारत लाहौरियों से छीनना चाहता है, लेकिन ताहाल वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। मैं तो हमेशा ही हर साल ही कहता हूँ कि बसंत होनी चाहिए, और अब तो हुकूमत ने कानून भी पास कर लिया है सेफ काइट फ्लाइंग का, तो मैं समझता हूँ कि उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि बसंत जो है ये सिर्फ लाहौर के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको हम दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बना सकते हैं। हिंदुस्तान ने कोशिश की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस फेस्टिवल को उनको सूट करता है कि यहाँ बैन हो और हम वहाँ उस फेस्टिवल को हिंदुस्तान में कहीं ले जाएं और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बना लें, लेकिन उनसे वो हो नहीं पा रहा इसलिए कि ये लाहौर है और लाहौर जो और जो लाहौरिये हैं ये उनका फेस्टिवल है। बसंत महज पतंग और डोर का नाम नहीं, ये तो कलियों के चटकने, फूलों के खिलने, रंग बिरंगे पैरहन में गुलाब चेहरों के चमकने और जवां दिलों में उमंगों के मचलने का मौसम होता है। जिंदा दिलाने लाहौर इस त्यौहार से महरूम नहीं होना चाहते। लाहौरियों के जज्बात की तर्जमानी करते हुए मियां यूसुफ सलाहुद्दीन कहते हैं कि बसंत पर पाबंदी की बजाय धाती डोर और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होनी चाहिए। एक मस्बत तफरी में मनफी रंग भरने वालों को काबू कर लिया जाए तो बहार के आगाज पर लाहौर की रौनकें एक बार फिर अरूज पर पहुंचाई जा सकती हैं। जितनी डेथ्स हुई हैं वो सारी मोटरसाइकिल पे हुई हैं मैम, और ये क्यों नहीं कर सकती है हुकूमत के वो जो दो मुझे मालूम हुआ है कि दो ऐसी मैन्युफैक्चरर हैं जो ये इस तरह की डोरें बनाते हैं। सारा मसला डोर का, किसी और चीज़ का कोई मसला नहीं है। उनको क्यों नहीं पकड़ते, उनको क्यों नहीं आम जो अब कह रहे हैं कि जी फलाने पे दहशतगर्द का पर्चा दो, इन पे क्यों नहीं देते दहशतगर्द के पर्चे जो ये बनाते हैं, और इसको कंट्रोल करें। दो चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं, फायरिंग इन द एयर और ये जो क्या कहते हैं डेडली जो डोर है गले काटने वाली। अगर नहीं हुकूमत कंट्रोल कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, तो फिर क्या कर सकती है मुझे बताएं। त्यौहार मनाना आवाम का हक है, किसी त्यौहार पर पाबंदी लगाने की बजाय ये एकदम ज़्यादा बेहतर होगा कि लोगों के जानो माल का तहफ़ यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाए। काशफ बेग के साथ आज़म मलिक, सिटी 42।